दोस्तों हमारे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे पास आज 100 से भी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स हैं जो कई बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। पर इन एंटीबायोटिक के साथ एक प्रॉब्लम भी सामने आई है और वो है ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस का मतलब यह है कि दवा का इफेक्ट किसी बीमारी के इलाज में कम हो जाना या ख़त्म हो जाना। एंटीबायोटिक के साथ भी इसी तरह की प्रॉब्लम है जिसमें बैक्टीरिया अपने अंदर जरूरी चेंजेस लाकर अपने आप को इस काबिल बना लेता है कि इन एंटीबायोटिक की इफेक्टिवनेस खत्म हो जाए। लेकिन यहाँ एक अच्छी बात यह है कि रिसेंटली रिसर्चर्स ने एंटीबायोटिक की एक पूरी तरह से नई क्लास की पहचान की है जो उन बैक्टीरिया को मार सकती है जो अधिकांश मौजूदा दवाओं या एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस प्राप्त कर चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये एंटीबायोटिक कौन सी है और ये कैसे काम करती है। यह एंटीबायोटिक कार्बिपेनम रेजिस्टेंस एसिनोबैक्टर बोमिनी, जिसे CRAB बैक्टीरिया कहते हैं, के खिलाफ अत्यधिक प्रभावी है, जिसे अस्पतालों में इसकी बढ़ती प्रेजेंस के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO ने Priority 1 पैथोजन के रूप में क्लासिफाइड किया है। कैर्बिपेनम रेजिस्टेंट एसिनोबैक्टर बर्मनी CRAB बैक्टीरिया एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो अक्सर ब्रॉड स्पेक्ट्रम कैर्बिपेनम दवाओं सहित लगभग सभी एंटीबायोटिक के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर चुका है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वे बैक्टीरिया होते हैं जो बैक्टीरिया डिफरेंशिएशन की ग्राम स्टेनिंग मेथड में उपयोग किए जाने वाले क्रिस्टल वायलेट स्टेन को बरकरार नहीं रख पाते हैं, जिससे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पहचानना आसान हो जाता है। CRAB से संक्रमित होने पर लगभग 60% लोगों की जान जा सकती है। यह आमतौर पर यूरिनरी ट्रैक, रेस्पायरेटरी ट्रैक, ब्लड स्ट्रीम में इन्फेक्शन का कारण बनती हैं, जिससे संभावित रूप से सेप्सिस हो सकता है। या हॉस्पिटल या क्लिनिक जैसे स्थानों में लगभग 20% इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। कई एंटीबायोटिक्स आमतौर पर बैक्टीरिया को घेरने वाली सेल मेम्ब्रेन को पार करके अंदर अपने टारगेट तक पहुँचती हैं। एंटीबायोटिक टारगेट तक पहुंचने के बाद बैक्टीरिया के कई जरूरी कामों को रोक देती हैं, तब या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है या बैक्टीरिया पूरी तरह से मर जाता है। CRB एक क्लिनिकल चैलेंज है क्योंकि इसमें दोहरी परत वाली सेल वॉल होती है और यह डबल लेयर सेल वॉल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है। इसका मतलब यह है कि एंटीबायोटिक्स को बैक्टीरिया को मारने के लिए अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए दोनों परतों को पार करने की आवश्यकता होती है। अगर बात करें पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक, जिनमें सबसे ओल्डेस्ट पेनिसिलिन G और V हैं, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की इन डबल लेयर को क्रॉस कर अपने टारगेट पर पहुँचने में कामयाब नहीं हो पाती हैं, जिसकी वजह से यह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर इफेक्टिव नहीं हो पाती हैं। आगे चलकर हमने कई सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन को भी डेवलप किया। इनके डेवलप करने के लिए कई तरह के केमिकल मॉडिफिकेशन भी किया, जिनमें से एक एंटीबायोटिक कार्बेपेनम भी है। यह मॉडिफिकेशन उन्हें इस काबिल बनाता है कि वो एसिनोबैक्टर बोमिनी जैसे इन्फेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकें। लेकिन इस इन्फेक्शन के सुपर बग वर्जन CRAB ने कार्बेपेनम को तोड़ने या डिस्ट्रॉय करने की क्षमता विकसित कर ली, जिससे इसे खुद को एंटीबायोटिक से बचाने में बढ़त मिल गई है, जिससे अस्पतालों में इसका दखल बढ़ गया। लेकिन यहाँ हमारे साइंटिस्ट भी सुपर बग से पीछे नहीं है और उन्होंने एक नया हथियार ढूंढ लिया है जो इस सुपर बग को पूरी तरह से ख़त्म करने की ताकत रखता है। तो चलिए जानते हैं क्या है वो हथियार।
तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसी एंटीबायोटिक की खोज की है जो इन सीआरएबी पर हाईली इफेक्टिव है। एंटीबायोटिक की यह नई क्लास जोसूरा बल्पिन है जो लेबोरेटरी में टेस्टिंग और संक्रमित जानवरों में सीआरएबी इन्फेक्शन के खिलाफ अत्यधिक प्रभाव दिखाती है। शोधकर्ताओं ने संक्रमण से पीड़ित मरीजों के 100 से अधिक सीआरएबी के नमूनों पर जोसूरा बल्पिन का परीक्षण किया। रिसर्चर की टीम ने पाया कि जोसूरा बल्पिन इन सभी बैक्टीरिया स्ट्रेन को मारने में सक्षम थी। यह सीआरएबी से संक्रमित चूहों के अंदर बहते हुए खून में भी बैक्टीरिया को मार सकती है, जिससे उनमें सेप्सिस को डेवलप होने से रोका जा सकता है। सीआरएबी में लिपोपॉलीसेक्राइड नाम के टॉक्सिन को बनाने की क्षमता होती है, जिसे वह लोगों को संक्रमित करने के लिए अपने हथियार के रूप में उपयोग करता है, और यह आम तौर पर उसकी बाहरी सेल वॉल से ही जुड़े हुए होते हैं। जोसूरा बल्पिन बैक्टीरिया में पाए जाने वाले LPTB2FGC नामक एक मॉलिकुलर मशीन, जिसे ट्रांसपोर्टर भी कह सकते हैं, को ब्लॉक करके काम करता है, जो लिपोपॉलीसेक्राइड टॉक्सिन को इनर बैरियर से आउटर बैरियर तक पहुंचाता है। ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करने से टॉक्सिन आउटर बैरियर पर ना आकर बैक्टीरिया के अंदर जमा होने लगता है, जिससे CARB सेल मर जाती है। तो ये एक तरह से इस दवा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हुआ। तो यह LPTB2FGC तंत्र CARB के लिए काफी अनोखा है, जिसके कुछ फायदे और नुकसान हैं। इसका नेगेटिव पॉइंट यह है कि जोसूरा बेल्पिन सिर्फ CRAB इन्फेक्शन को मार देगा या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनमें यह ट्रांसपोर्टर सिस्टम होता है, ना कि दूसरे प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण जैसे TB। इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टरों को इस दवा का इस्तेमाल करने से पहले एक्यूरेटली डायग्नोसिस करना होगा, फिर यह डिसाइड करना होगा कि क्या जोसूरा बल्पिन इस इन्फेक्शन के लिए राइट चॉइस है। लेकिन लेकिन एक बड़ा फायदा यह है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बढ़ने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि यह रेजिस्टेंस केवल CRAB से ही बढ़ सकता है, अन्य प्रकार के बैक्टीरिया से नहीं। शोधकर्ताओं का कहना है कि उन्हें ड्रग टारगेट LPTB2FGC में पहले ही कुछ म्यूटेशन दिखे हैं। हालांकि ये जोसूरा बल्पिन के काम को पूरी तरह से रोकने के बजाय केवल उसकी प्रभावशीलता को कम करते दिखाई देता है। बड़ी खबर यह है कि यह पहली बार है कि किसी एंटीबायोटिक के इस तरह से काम करने की जानकारी मिली है। CRAB से इन्फेक्टेड मरीजों में उपयोग के लिए जोसूरा बल्पिन अब फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में है। ह्यूमन में इस प्रारंभिक टेस्टिंग से दवा डेवलप करने वाली कंपनी रोसे को दवाओं के किसी भी दुष्प्रभाव के साथ साथ संभावित टॉक्सिसिटी का पता लगाने में मदद मिलेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें यह जांचने की जरूरत है कि दवा ह्यूमंस में भी उतनी ही अच्छी तरह से काम कर रही है जितनी अच्छे तरीके से चूहों में कर रही थी, और यह देखने के लिए कि क्या ट्रायल में मरीजों में कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। अभी ये शुरुआत है, किसी भी नई एंटीबायोटिक के फेल होने का रेट काफी ज्यादा है, लेकिन ये वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती से कम नहीं है। ये तो था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।